सभी को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्ते। आज की हमारी जो क्लास है वो बीजांड की संरचना को लेकर के है। तो आज हम बीजांड की संरचना और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीजांड की संरचना। तो बीजांड जो है वो जो अंडाशय होता है उसमें पाया जाता है, जिसे हिंदी में ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल जो है वो कई प्रकार की अलग अलग तरह की भागों से मिलकर बना होता है। उन्हीं भागों की संरचनाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सबसे नीचे वाले भाग की बात करेंगे कि किससे बना होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है इसका। तो इसके सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो बीजांड ग्रंथ होता है, और ये बीजांड ग्रंथ जो है वो थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो पुष्प से जोड़ने का काम करता है। तो ऐसी संरचना जो बीजांड को किससे जोड़ने का काम करे, आधार से जोड़ने का काम करे, थैलेमस से जोड़ने का काम करे, उसे क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ, और इसकी इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो बीच में ये भाग है, ठीक है, अध्यावरणी भाग। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो बीजांड काय जो है वो बीजांड ग्रंथ से जिस जगह पर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उस जगह को हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम, और हिंदी में इसे कहते हैं नाभिका, ठीक है, जहां से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड से जुड़ा हुआ है। कौन, बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ बीजांड से जहां जुड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका। आगे चले तो ऊपर की तरफ संरचना में ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग खुला हुआ भाग, खाली वाला भाग दिख रहा है, इसे चलेजा कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है। नाभिका और निभाग में अंतर है, ठीक है ना, हमेशा कभी कभी ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, निभाग को नाभिका और नाभिका को निभाग कर लेते हैं, या फिर अपन निभाग को हाइलम समझ लेते हैं। तो निभाग यानी चलेजा और नाभिका यानी कि हाइलम। आगे बात करें तो इसके अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। ये जो गोलाकार संरचना आपको नजर आ रही है ये दो भागों में बटी हुई है। इसके अंदर की तरफ ये जो भाग है इसको कहते हैं एम्ब्रियो शेक, जिसकी संरचना मैंने अलग से बना रखी है, भ्रूण कोष कहते हैं, जिसकी संरचना मैंने अलग से बना रखी है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं कि इससे बाहर वाली जो संरचना है इसकी बात करेंगे। तो ये जो आपको दिख रही है ये अधस्थ त्वचा है, जिसको हाइपोडर्मस कहते हैं, ठीक है। ये पूरा भाग जो है वो हाइपोडर्मस सेल्स का बना हुआ है, ठीक है ना, अधस्थ त्वचा का बना हुआ है। और इसी अधस्थ त्वचा में से एक कोशिका जो सुस्पष्ट केंद्रक वाली, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल जिसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा रहती है, ऐसे किसी एक सेल के द्वारा अपने आप को जनरेट किया जाता है, यानी कि उसको अपने आप में वृद्धि करता है वो, जिस सेल को अपन क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रप्रसूतक कोशिका, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं उसको। तो प्रप्रसूतक कोशिका जो है, आर्किस्पोरियल सेल जो है, वो बड़ी होकर के इस तरह का संरचना बनाती है, जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो शेक। अब हो गया क्लियर। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो ये जो परिधि भित्ति बन रही है वो अलग के सेल से बन रही है, लेकिन अंदर की तरफ जो हाइपोडर्मस सेल होती है, अधस्थ त्वचा जो होती है, उनकी जो कोशिका होती है, उनमें से एक कोशिका जो है वो आगे जाकर के आर्किस्पोरियल सेल यानी कि प्रप्रसूतक कोशिका में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और वो क्या करेगी, फिर अंदर वाले इस भाग का निर्माण करेगी, जिसे अपन कहते हैं भ्रूण कोष या एम्ब्रियो शेक कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये किससे ढका हुआ रहता है, जो बीजांड है वो किससे ढका हुआ रहता है। तो बीजांड जो है वो बाहर की आपको दो लेयर नजर आ रही है, फर्स्ट और सेकंड, इधर भी आपको दो नजर आ रही होगी। तो ज्यादातर ये एक अध्यारोणी भी होते हैं, द्वि अध्यारोणी भी होते हैं, बहु अध्यारोणी भी होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के अध्यारोण पाए जाते हैं अलग अलग तरह के बीजांड में। ज्यादातर बीजांड जो होते हैं वो द्वि अध्यारोणी होते हैं, मतलब डबल लेयर वाले, डबल इंक्यूबेट वाले, ठीक है ना। यहाँ पर आपके इंटीग्यूमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। तो डबल इंटीग्यूमेंट वाले भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, मल्टीपल भी इंटीग्यूमेंट वाले होते हैं, तो अलग अलग तरह के। अपन यहाँ पर जो जनरल संरचना जो पढ़ रहे हैं, जो ज्यादातर पाई जाने वाली संरचना है वो है डबल इंटीग्यूमेंट वाली, यानी कि द्वि अध्यारोण वाली। तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो आपको दिख रही है वो मैं लिख दी यहाँ पर आउटर इंटीग्यूमेंट, यहाँ पर इंग्लिश में इसको इंटीग्यूमेंट कहते हैं और हिंदी में इसे अध्यारोण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अंदर वाली नजर आ रही है आपको इनर इंटीग्यूमेंट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अपन बात करेंगे इस अंदर वाले भाग की। तो इस अंदर वाले भाग को मैंने यहाँ बाहर अलग से और बना दिया है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस पूरे भाग को देखेंगे आप तो इसमें आपको टोटल कितनी, तीन ऊपर और तीन नीचे कोशिका नजर आ रही है आपको। तो इन तीन ऊपर और तीन नीचे वाली जो कोशिका है उनके नाम क्या है वो देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है इन्हें अपन प्रतिमुखीय
कोशिका या फिर एंटीपोडल सेल कहते हैं। प्रतिमुखी यानी कि जो ध्रुवी कोशिका के विपरीत होती है, सामने की तरफ होती है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, या फिर अपन कह सकते हैं एक कोशिका के सामने वाली कोशिका है, ठीक है ना। तो एंटीपोडल सेल कहलाती है ये तीनों, ठीक है। इसके बीच में आपको दो, मैं सेल नहीं कह रहा हूं, न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है, ये दो केंद्रक हैं जिन्हें अपन दीप्तक केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना, दीप्तक ध्रुवी केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये, ठीक है ना, दो सेकेंडरी न्यूक्लियस बीच में रहते हैं। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको एक तीन कोशिकाओं का समूह नजर आएगा, इसे सामान्य भाषा में एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस। और ये एग एपरेटस जो होता है उसमें इन तीन कोशिकाओं में से दो जो होती है जो साइड में है, जो कौन सी साइड वाली है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ये जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तब निषेचन में सहायता प्रदान करती है ये, ठीक है, और अन्य जो कार्य है वो करती है, इसलिए इसे सहायक कोशिका कहते हैं। और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं सिंड्रिड्स। क्या कहते हैं? सिंड्रिड सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाले जो है इसे अपन क्या कहते हैं, अंड कोशिका या भ्रूण बीजाणु कोशिका कहते हैं, जो आगे जाकर के निषेचन की प्रक्रिया द्वारा क्या निकलेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। भ्रूण का निर्माण कहां से होगा, इस एक कोशिका से होगा, और इसी अंड कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण होगा। रही बात आगे की, तो इनका काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिमुख कोशिका और द्वितीयक, जो प्रतिमुख कोशिका है वो तो आगे जाकर के पोषण का काम करती है, लेकिन जो द्वितीयक ध्रुवी कोशिका जो है, ये सेकेंडरी सेल जो है, इनका काम ये होता है कि ये आगे जाकर के एम्ब्रियो, ये क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण पोष, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो शेक के ऐसे कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भ्रूण पोष, एम्ब्रियोस्पर्म ऐसा कुछ नाम है, एम्ब्रियोस्पर्म ऐसा कुछ नाम है वो बनाती है, भ्रूण पोष कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो आगे आएगा आपकी भ्रूण पोष वाला जो हिस्सा है कितने प्रकार के होते हैं वो अपन वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको, जब यहां से आने वाली सहायक कोशिका जो है वो यहां से इससे मिलती है, ठीक है ना, ये मेल इससे मिल जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, ट्रिपल सेल्स हो जाएगी, ट्रिपल न्यूक्लियस हो जाएंगे, त्रिगुणित केंद्रक हो जाएंगे। पहले दो है ही है, और एक कहां से आएगा, नर वाले मेल पार्ट से आएगा, और फिर ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, भ्रूण पोष का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। ये यहां सहायक होते हैं। अब अपन कभी कभी ये पूछा जाता है कि सवाल में पूछा, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एपरेटस है यहाँ पर, ये जो एम्ब्रियो शेक है, ठीक है ना, इसमें कितनी कोशिका पाई जाती है और कितने केंद्रक होते हैं। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, ये सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय कहा जाता है। सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय क्यों कहा जाता है उसका ध्यान रखना आप, किस तरीके से आठ कोशिकीय और सात केंद्रीय, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय होगा। तो देखिए यहां पर एक दो तीन, ये तीन कोशिका हो गई, एक दो तीन, ये तीन कोशिका हो गई, कितनी हो गई, छह, छह के बाद ये पूरी एक कोशिका है, तो कितनी हो गई, सात, ये पूरी एक कोशिका है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो कितनी कोशिका हो गई, सात। अब इसको आठ केंद्रीय क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहां पर केंद्रक गिनिए, अब एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार पांच छह सात और आठ, तो यहां केंद्र कितने हो गए, आठ हो गए, इसलिए इसे आठ केंद्रीय और सात कोशिकीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। जो कभी पूछा जाए कि बीजांड में भ्रूण पोष में कितने केंद्रक की और कितनी कोशिकीय अवस्था होती है, तो सात केंद्रीय और आठ कोशिकीय, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय अवस्था होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया प्रपोषित कोशिका से इसका निर्माण होता है, और प्रपोषित कोशिका किससे बनती है, अब आगे आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। तो बीजांड के प्रकार छह होते हैं, छह प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। सबसे पहले पर बात करेंगे कि कौन सा बीजांड होता है, तो सबसे पहले जो बीजांड होता है वो है ऋजु बीजांड, इसका या फिर इसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस। और ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड होते हैं, इन बीजांड में क्या होता है कि जो बीजांड होते हैं वो अपन कह सकते हैं कि बीजांड ग्रंथ पर बिल्कुल सीधे बीजांड लगे हुए रहते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, इरेक्ट कह सकते हैं अपन। तो यहां पर बीजांड ग्रंथ और बीजांड के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, तो अपन एक तरीके से इसको जीरो डिग्री एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अपन, तो इसके नीचे वाला ये भाग फ्यूनिकल, बीच वाला ये भाग चलेजा,
और ऊपर वाला भाग ये माइक्रोपाइल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बीजांड, द्वार, निभाग और बीजांड वृत्त। ये देखिए आपको एक सीधी रेखा में नजर आ रहे हैं, तीनों तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर आगे बात करें तो पॉलीगनसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें रुमेक्स है, पॉलीगनम है, इस तरह के पादपों में ये इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। दूसरा पाइपेरेसी जो कुल है, पाइपेरेसी कुल जो है उस कुल के अंदर जो पादप होते हैं, जैसे कि अपने सामान्य अपने देखते हैं पान या फिर काली मिर्च आती है, उस तरह के पादपों में भी ये इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है एनाट्रोपस, सबसे अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला बीजांड जो है वो एनाट्रोपस है। इसीलिए अपन ने भी यहाँ पर स्टडी जो की वो एनाट्रोपस ही की गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पाया जाता है आवरण बीजी पादपों में। इस प्रकार का बीजांड जो है वो बीजांड वृत्त की वृद्धि के कारण, एक तरफ वृद्धि का, एक पार्श्विक वृद्धि का मतलब एक तरफ वृद्धि के कारण, अपन एक साइड में कह सकते हैं एक साइड में वृद्धि के कारण ये किसी भी एक तरफ घूम जाता है। लिख रहा है आपको चित्र में, किसी भी एक तरफ ये क्या हो जाता है बीजांड वृत्त की वृद्धि की वजह से घूम जाता है और लगभग 180 डिग्री का एंगल बना देता है, किसके साथ, बीजांड वृत्त के साथ। तो जैसे ये बीजांड वृत्त खड़ा हुआ है और यहां से इस तरीके से घूम करके बीजांड द्वार इस जगह चला जाएगा तो लगभग कितना 180 का एंगल तैयार हो जाता है, तो 180 डिग्री पर घूम जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है हाइलम और माइक्रोपाइल जो है वो घूम करके कहां जाते हैं, जो फिनिकल है जो बीजांड वृत्त है उसके बिल्कुल पास में आ जाते हैं, यहां पर कह सकते हैं हाइलम के बिल्कुल माइक्रोपाइल जो हाइलम के बिल्कुल पास में आ जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अपन बात करें तो यहां पर माइक्रोपाइल चेलेजा जो है वो तो सीधी रेखा में रहेंगे लेकिन फिनिकल सीधी रेखा में नहीं होगा। ये देखिए यहां पर फिनिकल तो यहां रह गया जबकि चेलेजा यहां है और माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल और चेलेजा तो है वो सीधी रेखा में लेकिन जो फिनिकल है वो सीधी रेखा में नहीं है। फिर अगर अपन बात करें आगे तो जितने आवरणी पादपों में जितने पादप होते हैं लगभग 82% पादप जो है वो इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, उनमें इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। जैसे अपने सामान्य अगर बात करें तो मटर, चना, अरंडी, केस्टर जो है वो ग्रैम, ठीक है ना, पिया, इस तरह के पादपों में इस तरह की जो बीजांड है वो पाए जाते हैं, लगभग लगभग एंजियोस्पर्म में इसी तरह के बीजांड जो है वो होते हैं जो लगभग 180 डिग्री क्या हो जाते हैं राउंड हो जाते हैं। तो पहचान ध्यान रखिए आप यहाँ पर, सीधा चेलेजा और माइक्रोपाइल सीधी रेखा में होंगे लेकिन फिनिकल नहीं होगा, पहली। दूसरा 180 डिग्री यानी कि 180 एंगल पर क्या होगा राउंड किया होगा जबकि इसमें ये सीधी रेखा में होगा। ठीक है, फिनिकल, माइक्रोपाइल और चेलेजा तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, उदाहरण इसमें पॉलीगनसी और पाइपेरेसी, जबकि इसमें उदाहरण क्या है लगभग 82% एंजियोस्पर्म जो है वो इसी तरह के बने हुए हैं, इसी तरह के इसमें बीजांड पाए जाते हैं। धन्यवाद, आज की क्लास यही खत्म होती है।